मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर आगमन हुआ। वे यहां विधायक अशोक रूहाणी की माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा की और ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के विवाद को कांग्रेस का विवाद बताकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जमीन पर काम कर रही है और वह करती रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर आए तो उन्होंने कांग्रेसी सरकार पर जरूर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना जरूर साधा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर विरोध का काम कर रही है, वह लगातार जारी रहेगा। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है और वह कमलनाथ के गढ़ में फिर से एक बार विरोध का बिगुल बजाने जा रहे हैं। जी का स्वास्थ्य खराब था, बहुत दिनों से दर्शन करने की इच्छा थी और परिवार सहित मेरी धर्मपत्नी जी को भी उन्हें याद किया था। बहू कहाँ है, पहले भोपाल लगातार आते थे, उनका सानिध्य मिलता था और इसलिए दद्दा जी के दर्शन करने ही एक बहुत छोटा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि सिंधिया जी के बीच में और कमलनाथ जी के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके क्या परिणाम निकल के सामने आएंगे? अब ये तो वही बताएं, हम काहे को बताएं, लेकिन जो स्थिति बन रही है नहीं, सरकार गिर सकती नहीं, हमको इस चक्कर में नहीं। हम लोगों ने कभी इस बारे में विचार नहीं किया। अब कांग्रेस की सिर्फ उठव्वल, कांग्रेस जाने वहाँ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही अध्यक्ष हूँ, तो समन्वय का आएगा? ज्योतिरादित्य वहाँ तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है वहाँ। अब ये वो जाने, हम तो अपने विरोध के काम में लगे हैं, डट के लड़ रहे हैं जनता के लिए और लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, नहीं मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार को नहीं गिराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।